अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पशु संबंधी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। नमस्ते किसान बंधु, मैं कैलाश चौबे अपने चैनल पशुपालन सेवा में आपका स्वागत करता हूं। किसान बंधु, आज आपसे बात करनी है जहरीली घास या जहरीला चरी, जो कि गर्मी के मौसम में हरा चारा के रूप में आप लोग उपयोग में करते हैं, एमपी चरी जिसको कहते हैं, या कोई भी चरी जो आपको छींटते हैं हरा चारा के लिए गाय भैंस को खिलाने के लिए, तो टाइम टाइम से पानी उसमें नहीं दीजिए तो चरी जहरीला हो जाता है, पॉइजन हो जाता है वो चरी। और चरी थोड़ा सा भी हो गाय भैंस या बछड़ा बछड़ी खा लेगी, एक बैग गिर जाएगी, धड़ाम से गिर जाएगी। ये चरी में एक खासियत है, ये घास भी आप चरा रहे हैं, गाय भैंस को चरा रहे हैं, जब पानी का कमी हो जाएगा तो जहरीला घास हो जाता है। उसे मवेशी क्या होता है कि एक बैग रिएक्शन करेगा, जैसे दवाई का रिएक्शन होता है ना मवेशी में या आदमी में, उस तरह का एक बैग रिएक्शन करेगा, एक बैग गिर जाएगी मवेशी का पेट फूल जाएगा काफ़ी मात्रा में पेट फूल जाएगा, एक बैग गिर जाएगी, मुंह से गाज फेन आने लगेगा। ये बीमारी का कारण है जहरीला घास। घास को टाइम टाइम से पटाते रहे, हफ्ता में दो बार पानी आप देते रहिएगा तो ये बीमारी होने का चांस नहीं रह जाएगा, नहीं होगा। अगर जहरीला घास खाने से आ गया है पॉइजन शरीर में आ गया है, तो आपको मवेशी को तुरंत पानी गिरा करके उसको नहला देना है, पूरा शरीर को नहलाना, करीब आधा घंटा तक नहलाना है। नहलाने के बाद में आपको काला नमक, दवाई बता रहे हैं, काला नमक तोरी में मिला कर, तोरी जो राई होता है, काला नमक तोरी को बारीक पीस करके एक में मिला करके ढरती से उसको पिला देना है। ऐसे आपको करीब दो बार करना है, आधा आधा घंटा पर दो बार आपको करना है। इसे दो बार कीजिएगा तो जो पेट में गैस बना वो कम हो जाए, होने लगेगा। ये तो आपको घरेलू दवाई बता दिए, अंग्रेजी दवाई आपको बता देते हैं। आप समझिए कि अगर मवेशी को रिएक्शन कर गया है चरी या घास, तो आपको क्या करना है कि किसी भी होमोपैथ डॉक्टर के यहाँ जाना है, कहना है नक्स भोम दीजिए। सस्ता दवाई है, 5-10 रुपये में मिल जाएगा नक्स भोम। नक्स भोम ले लीजिएगा, उसको 30 ml का जार में आता है, उसको रोटी पे 10 बूंद से 15 बूंद तक रोटी पर गिरा करके, रोटी नहीं खाएगी उस समय, इसलिए कि रिएक्शन कर गया है, आप उसको मुंह में 10-15 बूंद दवाई गिरा दीजिएगा 3-3 घंटा पर। दवाई गिरा दिए 10 बूंद मुंह में, उसके बाद 3 घंटे के बाद फिर दवाई गिरा दीजिएगा, फिर 3 घंटे के बाद, इससे पेट तुरंत पचक जाएगा। इसमें काफ़ी पेट मात्रा में फूल जाता है जब रिएक्शन होता है तो चरी, बहुत जो बहुत मवेशी मर जाती है किसान बंधुओं, इसलिए आप गौर से हमारे बात को ध्यान दीजिएगा। आपको नक्स भूम किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, मिल जाएगा, अवेलेबल है, आप तुरंत लाकर दे दीजिएगा, तुरंत आराम हो जाएगा। इसमें अंग्रेजी दवाई भी आप दे सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी दवाई से ज़्यादा कारगर होगा जो होम्योपैथ में दवाई बता रहे हैं, यही इसमें काम करता है। पानी नहलाना इसमें मेन दवाई है, जितना भी पानी से नहलाइएगा शरीर में, स्किन से जो शरीर में पानी का पूर्ति हो जाए, पेट बहुत गर्म फूकता है, जब चरी जब खा लेती है ना तो इतना ज्वाला फूकता है, कितना मवेशी हम आते हैं कि मवेशी इधर उधर भागने लगती है, दौड़ने लगती है, क्यों, गर्मी के चलते। उसे जितना भी पानी नहलाइएगा फायदा करेगा, नक्स भूम दे दीजिएगा, आपका जहर का रिएक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, पशु चारा दाना पर आ जाएगी। इसमें बहुत ह्रास होता है किसान बंधु, गर्मी के मौसम में बीमारी होता है, इसलिए क्या आप लोग चरी छींटते हैं टाइम से पटाएंगे नहीं तो चरी पॉइजन हो जाएगा, जहर हो जाएगा, उसको आप खिलाएंगे आप अनदेखा कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। इस रोग का मेन कारण वही है कि आपको चारी को हमेशा पटाते रहिएगा, बार बार बताने का यही मकसद है वीडियो पर किसान बंधुओं का, आप लोग चरी को हमेशा पानी से पटाते रहिएगा, पानी पटेगा तो चरी ठंडा रहेगा तो उसमें रिएक्शन नहीं होगा। और नक्स भूम दवाई दे दीजिएगा, अगर रिएक्शन हो गया तो दीजिए और पानी से धोजिए, हमारा गारंटी है 100% कि आपकी मवेशी ठीक हो जाएगी। किसान बंधुओं, इसी सब पशु संबंधी बीमारी के बताने के लिए चैनल पर आया हूँ, कल फिर आऊँगा कोई नए बीमारी के विषय में बताता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। अब जय हिंद, जय भारत।